Hey guys, welcome to Stranger Tech. तो आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं दो फोन्स का. तो उसमें से जो एक फोन है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट हम सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल कंपैरिजन करने वाले हैं. तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से बेटर फोन कौन सा है, बेटर दोनों में से ज्यादा अच्छे फीचर कौन से फोन के हैं. तो बात करेंगे सबसे पहला है एमआई मिक्स अल्फा और Huawei Mate 30 Pro. दोनों ही जैसा आपने स्क्रीन पे टाइटल देख लिया होगा. तो जो पहले बात करेंगे एमआई मिक्स अल्फा की, तो जो ये फ्यूचरिस्टिक फोन है जो बहुत सारी कंपनियों ने अंदर डेवलप रखा है, बट Xiaomi जो ऐसी पहली कंपनी है जिसने हमारे सामने लाया ये कॉन्सेप्ट. तो जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही न्यू फोन है, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है. हमें एक फोल्डेबल स्क्रीन मिलेगी विद वाटरफॉल डिस्प्ले, और जो स्क्रीन है वो फोल्डेबल होगी, टिल बैक तक फोल्डेबल होगी. और जो अगर हमको फ्रंट कैमरा चाहिए तो उसी फोल्डेबल स्क्रीन को हम फोल्ड मतलब रोटेट करके फिर से फ्रंट में ला के कैमरा से फोटो खींच सकते हो. बहुत ही अलग है, आप वीडियो देख ही सकते हो. ये जो डिज़ाइन है बहुत ही कैची लगता है, बट इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, ड्यूरेबिलिटी में भी इसके सवाल है. तो बात करते दोनों ही फ़ोन कंपैरिजन करेंगे आज. सबसे पहले बात करते दोनों ही फ़ोन के कैमरा की. सबसे पहले बात करेंगे एमआई मिक्स अल्फा के कैमरा की. ये फ़ोन हर फोन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इसके जो रियर कैमराज है वो है 108 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा. तो ये फर्स्ट फोन है जो Xiaomi ला रहा है 108 मेगापिक्सल प्लस कैमरा के साथ, जो आज तक कोई फ़ोन लाया नहीं है. ये एक फ्यूचरिस्टिक फ़ोन है. तो Xiaomi ने चाइना में ये फ़ोन अनरिवील किया है. तो आप देख ही सकते हो कि अब तक ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इसके जो फीचर्स है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है. ये अभी तक कोई फ़ोन लॉन्च मतलब कोई फ़ोन लाया ही नहीं है फीचर. इस बार Xiaomi ने बहुत ही हार्ड वर्क करके ये फ़ोन बनाया है. बात करेंगे फ्रंट कैमरा की, तो इसमें फ्रंट कैमरा तो है ही नहीं. जैसा कि मैंने बताया, जो डिज़ाइन है वो जो बैक कैमरा है हम उसे फ्लिप करके फ्रंट में ला सकते हैं. तो बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन है. और जो 108 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा था वो हमें फ्रंट में भी मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है. नेक्स्ट बात करेंगे Huawei Mate 30 Pro के कैमरा की. तो Huawei Mate 30 Pro आता है ट्रिपल कैमरा के साथ, 14+14+8 मेगापिक्सल के सेंसर्स. Huawei के जो कैमरा होते हैं एकदम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस बार भी हमें उम्मीद है अच्छा परफॉर्म ही करेंगे. बात करेंगे फ्रंट कैमरा की, तो Huawei Mate 30 Pro आता है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ. कैमरा की बात माने तो कैमरा में तो इधर एमआई मिक्स अल्फा को कोई टक्कर नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ द मेगापिक्सल्स. और एक फ्लैगशिप फ़ोन है, प्राइस भी इतना है कि आप बाद में आपको प्राइस बता दूंगा कि फ़ोन वर्थ है. तो आगे बात करेंगे चिपसेट की. सबसे पहले बात करेंगे एमआई मिक्स अल्फा के चिपसेट की. इस बार एमआई मिक्स अल्फा आ रहा है स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जो Qualcomm का एक लेटेस्ट चिपसेट है. दूसरी तरफ हमारे पास Huawei Mate 30 Pro जो आ रहा है हाई सिलिकॉन Kirin 990 जो Huawei का लेटेस्ट चिपसेट है. दोनों ही चिपसेट अपने पार्ट पर बहुत ही फास्ट है, बट जो गीगाहर्ट्ज है उसमें स्नैपड्रैगन फास्टर है. जो सीपीयू रेट है उसमें स्नैपड्रैगन 11% फास्टर है इन कंपैरिजन विद Huawei. तो जो चिपसेट है उसमें हम कह सकते हैं कि एमआई मिक्स अल्फा ने बाजी मार ली है. बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, तो जो एमआई मिक्स अल्फा है वो आता है 7.9 इंच के स्क्रीन के साथ, जो काफ़ी बड़ा फ़ोन लग रहा है हाथ. तो ये एक तो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही बड़ा फ़ोन होगा. और अगर डिस्प्ले की बात करें तो 7.9 इंच विद ओएलईडी पैनल और फ्लिपेबल डिस्प्ले, वाटरफॉल डिस्प्ले फ्लिप, और जो मतलब आपने को मैंने बता ही दिया है कि डिस्प्ले फ्लिप हो सकता है बैक टू रियर, और वाटरफॉल डिस्प्ले होगा. फ़ोन बहुत ही कैची दिखेगा, एकदम ब्यूटीफुल दिखेगा, बट जो है डिसएडवांटेज बहुत है कि ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी ज़्यादा दिन. मेरे को नहीं लगता फ़ोन ऐसा चल पाएगा ऐसे फीचर्स के साथ. दूसरी तरफ हमारे पास Huawei Mate 30 Pro है जो आता है 6.53 इंच के ओएलईडी डिस्प्ले के साथ विद नॉच. जो नॉच है उसमें हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है. तो Huawei का जो डिस्प्ले है जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एमआई मिक्स अल्फा, क्योंकि उसके डिज़ाइन से ही पता चल रहा है कि ये फ़ोन सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि हमें पता चले कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है. नेक्स्ट बात करेंगे दोनों ही फ़ोन के रैम सिस्टम की. तो एक तरफ हमारे पास Huawei Mate 30 Pro है जो आ रहा है 8GB रैम के साथ, तो दूसरी तरफ हमारे पास है एमआई मिक्स अल्फा जो 12GB रैम के साथ आ रहा है. नेक्स्ट बात करेंगे स्टोरेज की, तो हमें Huawei Mate 30 Pro देता है 128GB की स्टोरेज, 256GB की स्टोरेज. तो नेक्स्ट हमारे पास एमआई अल्फा है जो देगा हमें 512GB की स्टोरेज. तो जो फीचर्स है एमआई मिक्स अल्फा ने काफ़ी प्रॉमिसिंग फीचर्स दिए हैं, हमें बहुत सारी होप्स दिए हैं, बट जो डिज़ाइन है मैं उसी लिए बोल रहा हूँ बार बार कि उसमें मुझे ट्रस्ट नहीं लग रहा है एमआई की तरफ से.
बहुत सारे फोन अंडर मेकिंग है यही पैटर्न से, ऐसे ही पैटर्न में हमें बहुत सारे फोन एप्पल्स के सैमसंग के देखने मिलेंगे, बट अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया, अभी सब वर्क कर रहे हैं उस पर। MI सबसे पहली कंपनी है जो हमें ये फोन्स बना के दे रही है। ये भी फ्यूचरिस्टिक वो था, एक इवेंट था। तो बात करेंगे नेक्स्ट दोनों ही फोन के चार्जिंग की, बैटरी की। तो जो फर्स्ट MI मिक्स अल्फा है वो आता है 4050 mAh की बैटरी के साथ विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड वायरलेस चार्जिंग। तो हमारे पास Huawei 20 Pro है वो आता है दूसरी तरफ 4500 mAh की बैटरी के साथ विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड वायरलेस चार्जिंग। दोनों फोन ने जो फीचर्स दिए हैं बहुत ही अच्छे दिए हैं, जो इनोवेशन है दोनों में वाटरफॉल डिस्प्ले का यूज किया गया है। तो हमें यहाँ पे दोनों ही फोन फीचर फ्यूचर के लिए, दोनों ही कंपनी ने बहुत ही सारे काम किए अच्छे अच्छे अपने नए फीचर्स वाले फोन्स में। तो अगर मैं फोन लेने बोलूँ रियलिटी के हिसाब से, तो MI Mix Alpha ने बहुत सारे फीचर्स अच्छे दिए, बावजूद मैं Huawei Mate 30 Pro ही लेने बोलूँगा। जो सबसे पहले प्राइस डिफरेंस है, जो हमारे पास MI Mix Alpha है वो आता है करीब 2 लाख के आसपास, तो कुछ फ़ायदा नहीं है लेने का 2 लाख रुपया। इसमें आप Huawei Mate 30 Pro जैसे दो फोन्स ले लोगे, क्योंकि वो आता है सिर्फ 86,000 में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और अभी तक MI Mix Alpha लॉन्च भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन था दो वाटरफॉल डिस्प्ले फोन्स के बीच में, जो दो इनोवेटिव फोन्स अभी तक जो हमारे पास आए हैं उन दोनों के बीच में। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, मैं ऐसे टेक के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।